शास्त्रानुसार दुर्गा महास्नान की नदियां उत्कर्ष चौबे BHU वाराणसी। शास्त्रों में भगवती दुर्गा की पूजा के विषय में कहा गया है, शारदीय महापूजा चतुः कर्ममयी शुभा ताम तिथित्रय मासाद्य कुर्याद भक्त्या विद्यानतः। शारदीय दुर्गा पूजा को महापूजा की संज्ञा दी गई है क्योंकि शास्त्रीय विद्यानानुसार सप्तमी महाअष्टमी व महानवमी इन तीनों तिथियों में चतुः कर्म किए जाते हैं। स्मार्त प्रवर रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने ग्रंथ दुर्गोत्सव तत्व में चतुः कर्म का आश्रय स्पष्ट करते हुए लिखा है, चतुः कर्ममय स्नपन पूजन बलिदान होम रूपा सा च प्रतिवर्षम कर्तव्या। अर्थात स्नपन पूजन बलिदान व हवन इन चार अंगों से विभूषित हो दुर्गोत्सव महापूजा करनी चाहिए। तिथि त्रयों में प्रथमतः महास्नान से ही अनुष्ठान प्रारंभ होता है जिसमें नानाविध द्रव्यों से माँ दुर्गा को स्नान कराया जाता है। जो स्नान वृहद व श्रेष्ठ होता है उसे महास्नान कहते हैं। वास्तव में देवी के स्नान में पर्याप्त वस्तुओं की आवश्यकता हमें विस्तृत समारोह की भव्यता की याद दिलाती है जो दुर्गा पूजा को कली के अश्वमेध विशेषण की सार्थकता सिद्ध करती है। विभिन्न सरिताओं जलाशयों तीर्थों पवित्र स्थलों की मृतिकाओं वनस्पतियों पंचगव्यादि वस्तुओं से प्रतिमा के सम्मुख दर्पण यंत्रवत स्थापित कर देवी के प्रतिबिंब को विभिन्न मंत्रों सस्वर वैदिक सूक्तों तथा नाना राग रागिनियों के साथ स्नान कराते हैं। महास्नान के प्रथम चरण में भृंगार स्नान में विभिन्न नदियों के जल से भगवती को स्नान कराया जाता है तथा मंत्र क्रम में भारतीय उपमहाद्वीपीय स्थित विभिन्न नदियों के नाम भी आते हैं। नदियों और मानव सभ्यता का अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। हमारे शास्त्रों में विशेषकर पुराणों में नदियों से जुड़ी कथाएं दृष्टिगोचर होती हैं तथा इनके नामकरण के पीछे की कथाएं भी मिलती हैं। किंतु इनके पौराणिक नामों से आज हम अनभिज्ञ हैं। महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड के त्रयोदश पटल से उद्धृत भृंगार स्नान के मंत्र में आता ही है, शीता चालकानंदा च चक्षुर्भद्रा दृष्टिति तुंगभद्रा कृष्णावर्णा पयोष्णी नर्मदा तथा ताप्ती भीमरथी क्षिप्रा वितस्तैरावती तथा गोदावरी विपाशा च शतद्रु सिंधुरेव च चर्मण्वती च कावेरी ताम्रपणिम महानदी करतोया बाहुदा च शोणा वेत्रवती तथा देवी का भैरवी कोका गोमती चोत्पालवती आत्रेयी भारती गंगा यमुना च सरस्वती सरयुर्गंडकी पुण्या श्वेत गंगा च कौशिकी भोगवती च पाताले स्वर्गे मंदाकिनी तथा सर्वा सुमनसो भूत्वा भृंगारे स्नापयन्तु ताः। क्रमशः इन पौराणिक नदियों के संक्षिप्त परिचय को हम एक एक कर आधुनिक नामों सहित जानेंगे। शीता। सीता नामक एक नदी कर्नाटक राज्य में मध्व संप्रदाय के केंद्र स्थल उडुपी जिले में बहती है, किंतु एक और नदी का उल्लेख शास्त्रों में शीता के नाम से मिलता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अलकनंदा। यह उत्तराखंड राज्य में बहने वाली अत्यंत ही पवित्र नदी है जिसके पावन तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। देवप्रयाग में अनकानंदा व भागीरथी का संगम होता है और दोनों मिलाकर गंगा कहलाती है। अलकनंदा की पांच सहायक नदियां हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में पांच अलग अलग स्थानों पर
अलकनंदा से मिलकर पंच प्रयाग बनाती है। चक्षुर नदी। चक्षुर नदी ऑक्सिस या अमू दरिया का प्राचीन संस्कृत नाम है, जो हिंदू कुश के उत्तर में पामीर पर्वत से निकलकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान से बहते हुए अराल सागर में मिलता है। इस नदी का उल्लेख रामायण में वक्षु तथा महाभारत व पुराणों में चक्षु के रूप में आता है। भद्रा। भद्रा नदी कर्नाटक राज्य में रहने वाली तुंगभद्रा नदी की एक उपनदी है, जिसका उद्गम स्थान चिकमंगलूर जिले में है, किंतु महास्नान के मंत्र में यहाँ इस नदी से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उपरोक्त चारों नदियों के विषय में विष्णु पुराण व भागवत महापुराण में गंगावतरण के संबंध में कथा आती है कि गंगा जी भगवान के श्री चरण से निकलकर चंद्रमा को जलमग्न करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मपुरी से बहते हुए चार शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें सीता, तारीम या यारकंद नदी चीन देश में, अलकनंदा भारतवर्ष में, चक्षु ऑक्सिस या अमूदरिया उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान देशों में और भद्रा सिरदरिया या याक्सारतेस किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान के देशों में बहती है। पहली सीता मेरु पर्वत के पूर्व की ओर निचले पर्वतों के शिखरों पर बहती है और भद्राष्ट देश से होते हुए समुद्र तक जाती है। अलकनंदा दक्षिण की ओर बहती है तथा चक्षु सभी पश्चिमी पहाड़ों को पार करने के बाद व केतुमाल देश से गुजरने के बाद समुद्र में गिरती है। भद्रा उत्तर कुरु के देश से होती हुई उत्तरी महासागर से मिलती है। दृषद्वती। ऋग्वेद की नदी स्तुति में इसका नाम सरस्वती व सिंधु के साथ आया है। इसे आजकल घग्घर और राखी कहते हैं, किंतु विद्वानों में मतभेद है। महाभारत में यह कुरुक्षेत्र के अंतर्गत मानी गई है। मनुस्मृति में इसे ब्रह्मावर्त की सीमा पर प्रवाहित होते कहा गया है। तुंग भद्रा। दक्षिण भारत में तुंग एवं भद्रा नामक दो नदियों के मिलन से तुंग भद्रा नामक पवित्र नदी का जन्म होता है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंग भद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता है। आचार्य शंकर द्वारा स्थापित दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदा पीठ तुंग भद्रा तट पर ही अवस्थित है। कृष्णा दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मसूलीपट्टनम के निकट गिरती है। पुराणों में कृष्णा को विष्णु के अंश से संभूत माना गया है। वर्णा, वेणी, वेण्या। कृष्णा की मुख्य सहायक नदी वर्णा को मराठी में वाराना नदी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में सांगली और कोल्हापुर जिलों से होकर बहती है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावती तुंग भद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी। कृष्णा और वेणी के संगम पर माहुली नामक प्राचीन तीर्थ है। महाभारत के सभा पर्व में कृष्णा को वर्णा के साथ कृष्ण वेणा कहा गया है। पयोष्णी। वर्तमान में वेन गंगा के नाम से प्रसिद्ध यह नदी विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए गोदावरी में जा मिलती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उनके प्रणीता पात्र के गर्म जल से इस पयोष्णी नदी की उत्पत्ति हुई। नल दमयंती प्रसंग में पयोष्णी नदी का उल्लेख आया है। नर्मदा। मैकलसुता माँ नर्मदा
अपने उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर नर्मदा करीब 1310 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय कर भरौच के आगे खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तपोभूमि नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पद्म पुराण के आदि खंड में पुण्या सर्वत्र नर्मदा के उद्भव से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ के होने का उल्लेख है। नर्मदा संगम यावद यावच्चा मरकंटकम तत्रांतरे महाराज तीर्थ कोट्यो दशस्थिता। ताप्ती, तापी नाम से प्रसिद्ध यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र व गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। विष्णु पुराण में ताप्ती को ऋक्ष पर्वत से उद्भूत माना गया है। तापी पयोष्णी निर्विध्यार प्रमुखा ऋषसंभवा तथा ये सूर्य एवं उनकी पत्नी छाया की पुत्री तथा शनि की बहन है जिनका विवाह वरुण देव के अवतार समवरण नामक राजा से हुआ। भीमरथी, भीमा नदी के नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है और यह कर्नाटक में कृष्णा नदी से जा मिलती है। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के पुरोहित धौम्य उन्होंने दक्षिण दिशा के तीर्थों के संबंध में इस नदी का उल्लेख। वेणा भीमरथी चैव नद्यो पाप भया पहे मृग द्विज समाकिरणे तापसालय भूषिते इत्यादि कहकर किया है। इसे समस्त पाप भय का नाश करने वाली तथा इसके तट पर मृगों और द्विजों का निवास व तपस्वियों का आश्रम बताया गया है। शिप्रा, शिप्रा नदी उज्जैनी में बहने वाली चंबल नदी की सहायक नदी है। कालिदास ने मेघदूत व रघुवंश में इस नदी की सुरम्यता का वर्णन शिप्र तरंगानिलकम पीता सुविहर्तु मुद्यान परम्परासु कहकर किया है। सिंहस्थ कुंभ मेला अवंती नगर में इसी के पावन तट पर लगता है जहां विहितावतार महाकाल ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वितस्ता, सप्त सिंधुओं में से एक झेलम नदी या कश्मीरी में वितनद जम्बू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब में बहती है। महाभारत के सभा पर्व में इसे बहुत ही पवित्र नदी मानते हुए कहा गया है। वितस्ताम पश्य राजेंद्र सर्व पाप प्रमोचनिम महर्षिर्भिश्चाद्युत तुषिताम शीत तोयायाम सुनिर्मलाम। इरावती, इरावती नदी का ही अपभ्रंश है रावी जिसका उल्लेख पतंजलि महाभाष्य में भी मिलता है। ईरा का अर्थ मदिरा या स्वादिष्ट पेय है। महाभारत के भीष्म पर्व में इसको वितस्ता और अन्य नदियों के साथ ईरावती वितस्ताम च पयोष्णी देवकामपि कहकर परिगणित किया गया है। हमारे कुछ ग्रंथों व बौद्ध साहित्यों में गोरखपुर के पास बहने वाली राप्ती नदी का भी प्राचीन नाम इरावती मिलता है। गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी नासिक के त्र्यंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलागार से निकलती है तथा सप्तधारा में विभक्त हो धौलेश्वरम के पास समुद्र में गिरती है। इसके पावन तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि अगस्त द्वारा स्थापित है तथा उन्हीं के पुण्य प्रताप से गंगा जी का द्रविड़ देश में आगमन हुआ। नासिक में इसके तट पर कुंभ लगता है
पाणिनीय व्याकरण के संख्याया नदी गोदावरी भ्याम च वार्तिक में गोदावरी नाम आया है तथा पुराणों में इसे निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तट वाली गौतमी कहा गया है। विपाशा पंजाब की व्यास नदी का पौराणिक नाम विपाशा है। कहा जाता है वशिष्ठ ऋषि पुत्र शोक से पीड़ित होकर तथा आत्महत्या की इच्छा से अपने हाथ बांधकर इस नदी में कूद गए थे, किंतु नदी उनको पाश मुक्त करके वापस किनारे की ओर फेंक दिया था, इसलिए इसका नाम विपाशा अर्थात पाश मुक्त कारिणी पड़ा तथा ऋग्वेद में इसे विपाश मूवी सुभगा कहा गया है। शतद्रु सतलुज वैदिक शुतुद्री का रूपांतर है तथा इसका अर्थ शत धाराओं वाली नदी से किया जा सकता है, जिससे इसके अनेक रूप नदियों का अस्तित्व इंगित होता है। वास्तव में सतलुज का स्रोत रावण हृद नामक झील है जो मान सरोवर के पश्चिम में है। विष्णु पुराण में शतद्रु को हिमवान पर्वत से निसृत कहा गया है। शतद्रु चंद्रभागाद्या हिमवत पदादि निर्गता। सिंधु सिंधु नदी तिब्बत से निकल कराची के निकट समुद्र में गिरती है। वैदिक संस्कृति में सिंधु नदी तथा इसके उद्गम स्थान मान सरोवर का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सिंधु शब्द से प्राचीन फारसी का हिंदू शब्द बना है तथा विधर्मियों के लिए सिंधु नदी को पार करने का अर्थ भारत में प्रवेश करना था। ऋग्वेद में सिंधु में अन्य नदियों से मिलने की समानता बछड़े से मिलने के लिए आतुर गायों से की गई है। अभित्वा सिंधो शिशु भिन्न मातरो वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः। संभवत इसकी महानता के कारण ही उत्तर वैदिक काल में समुद्र का नाम भी सिंधु ही पड़ गया था। चर्मणवती वर्तमान में इसे चंबल नदी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में बहती हुई इटावा से निकल यमुना में मिलती है। शास्त्रों में इस नदी के तट पर राजा रंती देव द्वारा अतिथि यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। पाश्चात्य विद्वान पुराणों में इसकी उत्पत्ति बलि पशुओं के चमड़ों के पूंज से बह निकलने का अर्थ लगाकर भ्रमित करते हैं, किंतु यह सर्वथा अनुचित है। राजा रंती देव की पशु बलि और चर्म राशि का अर्थ कदली स्तंभों को काटकर उनके फलों से होम एवं अतिथि सत्कार करना है। केलों के पत्तों और छिलकों को भी चर्म कहा जाता है। ऐसे कदली वन से ही चर्मणवती नदी निर्गत हुई थी। कावेरी यह सह्याद्री पर्वत की दक्षिणी छोर से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय कर कावेरी पट्टनल के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके तट पर अनेकों प्राचीन तथा गौरवमय तीर्थ जैसे चिदंबरम जम्बुकेश्वरम श्रीरंगम शिव समुद्रम तंजोर कुंभकोणम तथा त्रिचिरापल्ली स्थित है, जिनसे कावेरी की महत्ता और भी बढ़ गई है। ताम्रपर्णी केरल राज्य में बहने वाली इस नदी का स्थानीय नाम परुणई है। महाभारत के वन पर्व में ताम्रपर्णी तथा उसके तट पर स्थित गोकर्ण का वर्णन मिलता है। संस्कृत नाट्यकार कालिदास ने रघुवंशम में पांड्यवासियों द्वारा विनय पूर्वक रघु को अपने संचित यश के साथ ही ताम्रपर्णी समुद्र संगम के सुंदर मोती भेंट करने का वर्णन करते हैं। मल्लिकनाथ ने इसकी टीका में यथार्थ ही लिखा है, ताम्रपर्णी संगमे मोतिकोटपरिति प्रसिद्धम। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल में बहने वाली महानदी का नाम प्राचीन काल में चित्रोत्पला
हानंदा एवं नीलोत्पला भी मिलता है। छोटी धारा के रूप में जन्मी यह नदी ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर से विकसित होकर शिव रिनारायण में अपना नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है। उड़ीसा के कांटिलो में भगवान नील माधव का अत्यंत ही प्राचीन मंदिर व संबलपुर में मां संबलेश्वरी के मंदिर इसी के तट पर स्थित है। करतोया, यह नदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैकुंठपुर के जंगलों से निकलकर बांग्लादेश के राजशाही में प्रवाहित होती है। इतिहास में यह कई बार अपना पथ बदली है और किसी समय अत्यधिक जलराशि को प्रवाहित करने वाली करतोया अब सूखने के कगार पर है। अमरकोश में भी है, करतोया सदा नीरा बाहुदा सैत वाहिनी, जिससे इसके बृहदाकार होने का संदर्भ मिलता है। कालांतर में बंगाल में बौद्ध मतावलंबियों का आधिक्य होने के कारण उसे तथा उसकी नदियों को अपवित्र माना जाने लगा। करतोया को अपवित्र मानकर इसे कर्मनाशा जैसे दूषित समझा जाता है। आनंद रामायण के यात्रा कांड में है, कर्मनाशा नदी स्पर्शात करतोया विलंघनात गंडकी बाहुतरणादर धर्मः स्खलति कीर्तनात्।